हेलो गाइस, इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं वंडरशेयर यूनी कन्वर्टर। अगर आप अपनी वीडियो के फॉर्मेट को कन्वर्ट करना चाहते हो किसी दूसरे फॉर्मेट में तो आप वो भी इजीली कर सकते हो। इसमें आपको खाली यहाँ पे अपनी फाइल को ऐड करना है और ये कन्वर्जन शुरू कर देगा, बहुत ही फास्ट है। उसके बाद दूसरा फीचर है डाउनलोड का, तो चलिए डाउनलोड पे चलते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट से वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो तो खाली आपको यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करना पड़ेगा और वो वाली वीडियो आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी आपके कंप्यूटर में डायरेक्टली। उसके बाद ऑप्शन आता है बर्न का। अगर आप कोई फाइल को बर्न करना चाहते हो अपने डीवीडी में आईएसओ फाइल को, तो वो भी आप कर सकते हो बहुत ही इजीली। खाली आपको फाइल को ऐड करना है और डायरेक्टली बर्न होना शुरू हो जाएगा, और ये फोल्डर में भी बर्न करता है, डायरेक्टली डीवीडी में भी बर्न करता है। उसके बाद आपका अगला ऑप्शन है ट्रांसफ़र का। अगर आप अपनी फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हो आईफोन में या फिर अपने एंड्रॉयड डिवाइस में या फिर पेन ड्राइव में या फिर एसडी कार्ड में, तो ये उसको भी सपोर्ट करता है और बहुत ही फास्ट ट्रांसफ़र होता है इसका। अगला फीचर है टूल बॉक्स का, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आप इमेज के फॉर्मेट को भी कन्वर्ट कर सकते हो, जेपेग से पीएनजी पे कन्वर्ट कर सकते हो, जिफ बना सकते हो आप अगर छोटी सी जिफ बनाना चाहते हो, आप डिस्प्ले को रिकॉर्ड कर सकते हो यानी कि स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। कोई अगर वेबसाइट पर कोई स्ट्रीमिंग कर रहा है और आपको रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप वो चीज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हो। आप वीडियो को एडिट कर सकते हो, वीडियो को कंप्रेस भी कर सकते हो। अगर आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हो और उसको डायरेक्टली कास्ट करना चाहते हो अपने टीवी पर, तो आप वो भी यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। गाइस, मैंने इस सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट से चेकआउट करो। और अगर आप प्रो वर्जन इसका परचेज करते हो तो आपको $5 का डिस्काउंट भी मिलेगा, जिसका मैंने डिस्काउंटेड कूप। हेलो गाइस, तो कैसे हो मेरे भाई लोग? यार सबको शशत नमन प्रणाम करता है आपका स्कल भाई। तो गाइस, अपन आ चुके हैं फिर से एक बढ़िया सी प्यारी सी वीडियो लेके। तो मैं पहले ही वॉर्न कर दूं, ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। इसमें आपको कोई गेमिंग से कुछ मतलब रिलेटेड नहीं मिलने वाला, इसका टॉपिक डिफरेंट होने वाला है वीडियो का। वैसे गेमिंग से रिलेटेड ही है, बात अपन गेमिंग के बारे में करेंगे, गेमिंग कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक कैजुअल गेम वाली वीडियो नहीं होने वाली है। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो थोड़े बहुत कंट्रोवर्शियल हैं और शायद से किसी को अच्छा ना लगे वो सुनने के बाद। तो चलो, बट मैं ये कहूँगा पूरी वीडियो देखना, फैक्ट्स को समझना, फैक्ट्स को सुनना, बातों को सुनना, उसके बाद ही एनालाइज करके अपना कमेंट नीचे लिखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज़, यार जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा, ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है रिगार्डिंग इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। क्या इंडियन गेमिंग कम्युनिटी एक मजाक सा बन गया है? क्या एक वो जोक है? इसको अपन कंपेयर करते हैं, चलो बाहर के देशों से कंपेयर करते हैं। आप दूसरी कंट्रीज़ को देखो, वहाँ पर क्या होता है। दूसरी कंट्रीज़ में देखिए लोग गेमिंग पीसीज बनाते हैं, गेमिंग करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं और चैम्पियनशिप्स में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े बड़े चैम्पियनशिप होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कौन से गेम किस पे खेले जाते हैं? पीसी वाले गेम्स पीसी पे खेलते हैं, मोबाइल वाले गेम्स मोबाइल में खेलते हैं, उसको स्ट्रीम भी करते हैं। इंडिया में क्या हो रहा है? चलो अपने देश की बात करते हैं, अपना देश सबसे महान, तो इसके बारे में बात करते हैं क्या है। तो इंडिया में एक नई ब्रीड उत्पन्न हुई है, ये है एमुलेटर गेमिंग। भाई दुनिया में होती है मोबाइल गेमिंग पीसी गेमिंग, इंडिया में नई ब्रीड आई है एमुलेटर गेमिंग। क्योंकि जब मैं स्ट्रीम करता हूँ तो काफ़ी लोग बोलते हैं भाई तू पबजी मोबाइल खेल ले। मैंने भाई पबजी मोबाइल यार फिर मैं स्ट्रीम करूँगा अपने फ़ोन से तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो कहते तू पीसी से खेल ले। मैंने पबजी पीसी, हाँ भाई पबजी पीसी तो पड़ा है मेरे पर। कहते नहीं पबजी पीसी नहीं, पबजी पीसी नहीं, तू एमुलेटर डाल के कर ले स्ट्रीम, वो पीसी वाला गेम है। मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता कि जो एमुलेटर पे आता है पबजी मोबाइल वो मोबाइल वाला ही गेम है, लेकिन कई लोग उसको समझते हैं कि वो पीसी का गेम बन गया पीसी पे आते ही। तो इंडिया में ये एक कहते हैं मिसकंसेप्शन बना है, और बनाने वाले भी भाई अब क्या बोलें, किसके लिए बोलें, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो इनकी वजह से ही हुआ है भाई। ये जो थिंकिंग होती है इन्हीं के लोगों की वजह से चेंज होती है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ये लोग आज के ज़माने में, सिर्फ ये गेमर्स नहीं रह गए या रोस्टर्स नहीं रह गए, ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो क्या ब्रीड उत्पन्न हुई है? एमुलेटर वाली ब्रीड उत्पन्न हुई है अपने देश में। बाहर होता है भाई पबजी पीसी या पबजी मोबाइल या मोबाइल वाली चीज़ें या फिर पीसी वाली चीज़ें, यहाँ पर हो रहा है एमुलेटर। पहली बात तो एमुलेटर की इतनी धज्जियाँ उड़ाई हैं लोगों ने। गाइस एमुलेटर एक सॉफ्टवेयर है, वो बना इसलिए ताकि आपकी जो ऐप्स अगर फ़ोन में नहीं चल रही ना तो आप उसको पीसी में चला लो, पीसी में ट्राई करके देखो कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है, उस हिसाब से आप अपनी ऐप को डेवलप कर सकते हो। मोस्टली डेवलपर्स यूज़ करते हैं इसको, ऐप डेवलपर्स एमुलेटर्स को। इवन मैंने भी बहुत पहले यूज़ किया अपनी ऐप्स टेस्ट करने के लिए कि चल रही है फ़ोन में कि नहीं चल रही, तो आप एमुलेटर पर टेस्ट कर सकते हो। लेकिन इंडिया में रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली इसको बना दिया भाई गेमिंग के लिए, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म बन गया एमुलेटर। जबकि एमुलेटर कभी गेमिंग प्लेटफॉर्म बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ ही नहीं है, वो कुछ, वो एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ खाली रन करता है,
कि हाँ भाई ये तुम्हारा चल जाएगा, इसमें बाकी डिपेंड करता है मोबाइल कैसा है, उसमें कैसा ऑप्टिमाइजेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है गेम कैसा चलेगा। एमुलेटर ने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है कि गेम ढंग से चलेगा, लैग होगा या होगा, बट क्या करें, इसको एक प्लेटफॉर्म बना दिया इंडिया में। तो मैं ये कहूँगा कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी एक तरह से एमुलेटर गेमिंग कम्युनिटी ज़्यादा बन रही है कम्पेयर टू पीसी गेमिंग या रियल गेमिंग। और अगर यही चलता रहा तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में ना हमारे देश से कोई चैम्पियनशिप जीत के आएगा इन बड़े बड़े गेम्स में, ना कोई रेवेन्यू आने वाला है, और ना ही अपने पेरेंट्स की या अपने जो सोसाइटी है उनकी थिंकिंग चेंज होगी कि भाई हाँ मोबाइल गेमिंग या पीसी गेमिंग से भी आप पैसा अर्न कर सकते हो, इसको भी एक प्रोफेशन बना सकते हो। एमुलेटर ही रहा अगर फ्यूचर में तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने वाला है, हम फिर यहीं रह जाएंगे, आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए ये तो था मेरा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरे पॉइंट के बारे में ये है कि अब देखो काफ़ी सारे बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हैं राइट, अब ये खेलते हैं एमुलेटर पे। अब इनसे कोई पूछे भाई तुम एमुलेटर पे क्यों खेल रहे हो, तो इनका जवाब ये होता है कि भाई क्वालिटी थोड़ी अच्छी आती है, आपको ज़्यादा कुछ मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं, वही वाला गेम आप एमुलेटर में चला के अच्छे से खेल सकते हो, थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, क्वालिटी स्ट्रीम की अच्छी रहती है। चलो आई एग्री, मैंने भी किया है ये चीज़, बट ये लोग वो कर ये चीज़ वो लोग करते हैं जो कैप्चर कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनका कंप्यूटर जो है एक गेमिंग कंप्यूटर तो है, स्ट्रीम भी कर लेता है लेकिन इतना भी हाई एंड नहीं है कि पबजी पीसी खेलें उस पर, पबजी पीसी अच्छा चले, चलो पबजी पीसी भी चल जाता है अच्छा तो चलो कोई नहीं, बट ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ये इजीली अफोर्ड कर सकते हैं एक कैप्चर कार्ड। तो भाई तुम्हारा क्या जाता है, तुम एक कैप्चर कार्ड खरीद लो और उस गेम को मोबाइल पे खेल लो, स्ट्रीमिंग क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारे स्किल्स भी दिख जाएंगे। बट नहीं जी, इनको खेलना तो वो चीज़ एमुलेटर पे ही है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि भाई चलो एक तरफ मनी इशू होता है इसलिए कोई ख़रीद नहीं पाता एमुलेटर के, वो क्या कहते हैं कैप्चर कार्ड नहीं खरीद पाता कि भाई अपन कैसे करें, मोबाइल भी फिर आपको हाई एंड चाहिए तो उसमें मतलब चलो मनी इशू आ जाता है, माना जाता है कि इसलिए आप एमुलेटर में खेल रहे हो और फन के लिए खेल रहे हो। बट आप लोग तो अफोर्ड कर सकते हो, इतने बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हैं, इतना पैसा है, इतना इन्होंने इतने बड़े बड़े गेमिंग दो दो डेढ़ ढाई ढाई लाख के इन्होंने गेमिंग कंप्यूटर बना रखे, तो क्या एक छोटा सा एलगाटो या कुछ ऐसा खरीद नहीं सकते, कर सकते हो तो उस पर क्यों नहीं ट्राई करते। एट द एंड ऑफ द डे गेम तो फन के लिए बना है, चाहे आप उसको मोबाइल पे खेलो चाहे आप उसको पीसी में खेलो, आप अगर वही चीज़ मोबाइल पे खेलोगे अपनी उंगलियों से खेलोगे, चलो एक बार मरोगे दो बार मरोगे महीने बाद आप अच्छा खेलने लग जाओगे, तो वाई नॉट ट्राई कैप्चर कार्ड और उससे क्यों नहीं स्ट्रीम कर सकते। बट वही है ना, क्या करें, बिगड़ता जा रहा है गेमिंग कम्युनिटी अपना। तो चलो ये सब रही बड़े बड़े स्ट्रीमर्स और उनकी बातें रही कि क्या चल रहा है। अब आते हैं भाई लोगों दूसरे पार्ट पे, कंट्रोवर्सीज। ये मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ यूट्यूब पे क्या चल रहा है। देखो जैसे ही बड़े बड़े स्ट्रीमर्स जो थोड़ा आगे जाने लगे, चाहे वो एमुलेटर से स्ट्रीम कर रहे हो मोबाइल से स्ट्रीम कर रहे हो, डजंट मैटर, ये धीरे धीरे जैसे आगे जाने लगे कुछ न्यू चैनल्स उत्पन्न हुए यूट्यूब पे, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत उत्पन्न हुए, बाकी ज़्यादा पता नहीं फेमस हो नहीं पाए या कुछ हुए, जो क्या किया उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सीज़ फैलाई हैं। बस पहले होता था भाई न्यूज़ मिलती थी अपने को, अब इन्होंने कॉन्ट्रोवर्सीज़ फैलाई हैं, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्सीज़ फैला के क्या किया, इधर की बात उधर की, उधर की बात इधर की, और वो कॉन्ट्रोवर्सी छोटी छोटी होके बड़ी हो गई। हुआ क्या इससे, सब्सक्राइबर्स भाई इनके भी आ गए, थोड़ी रोटियां इन्होंने भी सेक ली, इनके भी थोड़े बहुत चैनल चल गए। कहाँ थे भाई ये कॉन्ट्रोवर्सी वाले लौंडे, मुझे बताओ भाई, क्या देश में कल से शुरू हुई है गेमिंग, या देश में पहले कोई स्ट्रीम नहीं करता था क्या, ऐसा तो था नहीं भाई, या फिर एमुलेटर वाले कल ही आ गए थे और कल ही एक दिन में उनके भाई दो दो तीन तीन मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, नहीं ना, कहाँ थे फिर ये कॉन्ट्रोवर्सी वाले। तब इनको भाई इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की वो आग नहीं दिखी अपने दिल में कि कुछ करना चाहिए, तब तो भाई कुछ ना हुआ है, तब तो शांत बैठे रहे। जब दूसरे बंदे आगे जाने लगे ना, जब इन लोगों ने देखा, अरे भाई एमुलेटर पर खेल खेल के देखो लौंडे ने दो दो मिलियन कर लिए, वो देखो उसके एक मिलियन होने वाले अब, अरे इसमें पैसा है भाई, चलो आ जाओ इन्हीं का रोस्ट काट देते हैं भाई, क्या बोलते हो, थोड़ी बहुत भाई रोटी हम भी सेक लें, थोड़ी बहुत रोटियाँ अपने पास भी आ जाए, मज़े आ जाएंगे भाई, और क्या चाहिए। एक एक दिन में भाई इनकी वीडियो पे आ गए भाई लाखों व्यूज़। तो क्या हुआ, मतलब इनको पहले चिंता नहीं थी क्या कि भाई पहले भी कुछ कर लेते देश के लिए, अब चिल्ला रहे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, वाह। तो ये तो रहा पार्ट कॉन्ट्रोवर्सीज़ का, चलो इसके ऊपर भी आएंगे।
कॉन्ट्रोवर्सीज बेसिकली ये चैनल पता है क्या बन चुके हैं आज के ज़माने में, ये यूट्यूब के बिग बॉस बन चुके हैं। जैसे अपन टीवी में बिग बॉस देखते हैं ना, मज़ा आता है बड़ा देखने में, अब मैं टीवी में देखूंगा ही नहीं भाई, बिग बॉस मैं बंद कर दूंगा, अब मैं देखूंगा सिर्फ यूट्यूब पे बिग बॉस। तो ये एवरी मॉर्निंग मिल जाता है, एवरी मॉर्निंग कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये है कॉन्ट्रोवर्सी, इसका सच क्या किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे एक और टॉपिक है, ओनली पबजी, ओनली पबजी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ओनली पबजी, अब ये जितने भी कॉन्ट्रोवर्सी वाले चैनल हैं या जो भी हैं, इनको सिर्फ पबजी दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं भाई। अगर ये गेमिंग कम्युनिटी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चैनल्स जो हैं कॉन्ट्रोवर्सी वाले, ये चिल्लाते हैं अपनी छाती चौड़ी करके चिल्लाते हैं कि भाई हम गेमिंग कम्युनिटी को सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है भाई, तुम दे रहे हो, अच्छी बात है, वेरी नाइस, बट तुम्हें क्या पबजी दिखता है क्या? तुम्हारी आंखों के सामने PUBG ही दिखता है और कोई गेम नहीं है क्या इस दुनिया में? हैं, और भी लौंडे हैं, और भी लोग हैं जो स्ट्रीम कर रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे गेम्स। कोई भाई फोर्टनाइट खेल रहा है, कोई माइनक्राफ्ट खेल रहा है, कोई GTA 5 खेल रहा है, कोई CSGO खेल रहा है, उधर जाके भी देख लो क्या वो गेमिंग कम्युनिटी के पार्ट नहीं है? अरे पार्ट हैं, सब हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे ये लोग, क्यों? व्यूज़ नहीं आएंगे भाई, वहाँ कोई कंट्रोवर्सी हो नहीं रही। जो भी कंट्रोवर्सी रायता फैला रहे हैं पबजी वाले, मिलके फैला रहे हैं एक दूसरे के लिए, बस तेरी भी रोटियाँ सेक रही हैं, मेरी भी रोटियाँ सेक रही हैं, सेक लो जितनी सेक दो, खाओ भाई फिर एंड में रोटियाँ खाओ, चिकन डिनर करो साथ में मिलके। तो ये चल रहा है, इनको और कोई नज़र नहीं आता। मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है कि भाई इन लोगों के लिए इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में सिर्फ क्या है, पबजी है। फोर्टनाइट कभी देखा है भाई लोगों? कभी फोर्टनाइट पर जाके किसी को सपोर्ट कर रहे हो या फोर्टनाइट? नहीं नहीं भाई, नहीं, कैसे कर दे भाई। एक बंदा आया था मेरी वीडियो पर, उसने एक कमेंट लिखा, तो वो कहता भाई तू रियल गेमर नहीं है क्योंकि तू पबजी नहीं खेलता, तू पबजी पीसी ही नहीं खेलता, तू रियल गेमर नहीं है। अब बताओ मैं इसका क्या जवाब दूँ जिस बंदे की ऐसी थिंकिंग है कि भाई अब मैं इतने गेम्स खेलता हूँ अपने चैनल पर, इतने गेम्स में ट्राई कर चुका, गेम्स गेम्स होते हैं भाई, गेम्स में नहीं लिखा कि आप अगर ये वाला गेम खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, तो आप रियल गेमर बन गए यार। हैं, इससे रियल गेमर नहीं बना जाता। गेमर वही होता है जो सारे गेम्स खेलता है, सारे गेम्स ट्राई करता है, दिखाता है, स्ट्रीम करता है, वो रियल गेमर होता है। बट अपने कॉन्ट्रोवर्सी वाले जो गुरु हैं काफ़ी सारे यूट्यूब पे, उनको ये चीज़ नहीं दिखेगी ना, उनको सिर्फ पबजी दिखेगा, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सीज कहाँ हैं, पबजी में हैं। पैसा कहाँ है, पबजी में, चाहे वो मोबाइल वाला हो चाहे वो PC वाला हो। रोटियाँ कैसे सीखेंगे, पबजी से ही। फोर्टनाइट पर रोटियाँ सीखने वाली नहीं, ज़्यादा लोग खेलते नहीं इंडिया में, बहुत कम खेलते हैं, लेकिन कुछ हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो गाइज़ ये थे मेरे व्यूज़ कि क्या चल रहा है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में। अब एंड में मैं ये सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अपनी जो इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी है ना, वो एक बहुत ही बड़ा जोक बन के रह जाएगी ना। यहाँ से कोई बड़ा स्ट्रीमर आगे जाने वाला है, स्ट्रीमर की बात नहीं करूँगा, स्ट्रीमर तो बहुत आगे जा चुके हैं, ना ही कोई बड़ा गेमर आगे बनने वाला है, जो जैसे कि हम देखते हैं फॉरन में देखते हैं, श्राउड है और आपके निंजा हैं और ये सब, ये बहुत ही कम्पिटिटिव लेवल पर खेलते हैं, ये क्या कहते हैं, प्रोफेशनली गेम्स को खेलते हैं, मतलब इनको बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं, वहाँ पे चैम्पियनशिप्स होती हैं, वहाँ पे जाके जीत के आते हैं। बट मुझे नहीं लगता इंडिया में फ्यूचर में PC गेमिंग में कुछ इतना रखा है, मतलब ख़त्म सा ही होता जा रहा है। जब से ये एमुलेटर गेमिंग ने ओवरटेक किया है, PC गेमिंग तो बेसिकली डेड सा हो रहा है, कोई देखना भी नहीं चाहता कि PC गेमिंग में इतने सारे गेम्स हैं, सुंदर सुंदर गेम्स हैं, इन लोगों के पास इतने महंगे महंगे ग्राफिक कार्ड्स हैं, ऑडियंस हैं, इतने बढ़िया बढ़िया PC हैं, भाई इतने सुंदर सुंदर गेम्स हैं, उनको रन करो, दिखाओ लोगों को, थोड़ा पता चले कि रियल गेमिंग होती क्या है। बट नहीं, क्या कर सकते हैं। तो मेरे ये व्यूज़ थे गाइस, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हो, कुछ अपना पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बताओ मेरे को क्या मैं गलत बोला, क्या मैं सही बोला, मैं रिप्लाई देने के लिए हर एक कमेंट पर रिप्लाई देने के लिए बैठा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई, अगर एग्री करते हो तो फटाफट से लाइक ठोको भाई, किस बात का वेट कर रहे हो? दूसरी बात, शेयर भी करो वीडियो को, ताकि लोगों को पता चले भाई क्या चल क्या रहा है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में, क्योंकि मैं PC गेम्स को खेलता हूँ, स्ट्रीम करता हूँ, और मुझे पता चल रहा है आज की रियलिटी क्या रियलिटी है। कोई रियलिटी नहीं है, बहुत बेकार रियलिटी है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक जाएँ ये बातें कि भाई और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ों को सपोर्ट किया जाए, ना कि सिर्फ पबजी और या फिर एमुलेटर। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब सब दबाओ अगर न्यू हो तो,
और मिलते हैं अगली वीडियो में या फिर लाइव स्ट्रीम में। टिल देन टेक केयर, आपका स्कल भाई साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।